कोलन या मलाशय के स्वास्थ्य को आज पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है। अगर आप अपना कोलन साफ नहीं रखते हैं तो मन का संतुलन बनाए रखना बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो आयुर्वेद और सिद्ध में आप जो भी बताएं, आपको नींद ना आ रही हो, आपका कुछ गड़बड़ा गया हो, हल्की किसी तरह की मानसिक समस्या हो, सबसे पहले सफाई। सिस्टम को शुद्ध करें, कोलन साफ करें, अचानक आप थोड़ा संतुलित महसूस करते हैं। यह अपने आप में एक पूरा समाधान नहीं है, पर शरीर में सुधार लाने के लिए जरूरी बुनियादी वातावरण लाएगा। दवा से या आवश्यक अभ्यास से आप सुधार ला सकते हैं। एक योगी को हमेशा दिन में दो बार पेट साफ करना चाहिए। क्योंकि कोलन हमेशा साफ रहना चाहिए। अगर आप एक खास साधना करना चाहते हैं तो कोलन साफ होना चाहिए। और हम ये जानते हैं कि अगर कोलन में एक स्तर की अशुद्धि है या वेस्ट मटेरियल है और हम कुछ खास योग अभ्यास करते हैं तो शरीर से बदबू आने लगेगी और यह आपके सर में भी जाएगी, यह पक्का है। तो यह सीधे सीधे जुड़ा है। अगर मल आपके अंदर रह जाता है तो यह आपके सर में जाकर कई तरह से आपका जीवन अस्त व्यस्त कर देगा। तो शरीर की अशुद्धियां जितनी जल्दी हो सके निकल जानी चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे डॉक्टर कह रहे हैं आपको जितनी बार हो सके खाना चाहिए, एक बार में ज्यादा खाना ना खाएं, हर दो घंटे में खाएं, कुछ ऐसा। देखिए, खाना जब पेट की थैली में होता है, आंत में नहीं, जब ये पेट की थैली में होता है, जब पाचन क्रिया चालू हो तो कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धि नहीं होगी। कोशिकाओं में लंबे समय तक अशुद्धि रहेगी, क्योंकि जब पाचन क्रिया हो रही होती है तो सब नीचे आ जाता है, आपका दिमाग भी। तो योग प्रणाली में एक से दूसरे भोजन के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो कम से कम 4 से 5 घंटे, 5 घंटे होना ही चाहिए। उससे कम मतलब आप अपने लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। सो इन द योगा सेंटर द डे स्टार्ट्स विद अ स्मॉल marble-sized ball of neem and turmeric. तो ईशा योग केंद्र में दिन नीम और हल्दी की एक छोटी गोली से शुरू होता है। इसके कई पहलू हैं कि कैसे ये आपके सिस्टम पर काम करता है, पर सबसे पहले नीम का पेड़ जो आम तौर पर भारत में हर जगह है। आज शायद 10-12 अलग अलग भौगोलिक जगहों पर उगाया जा रहा है, पर मूल रूप से भारतीय महाद्वीप के लिए स्वदेशी है। यह इस धरती पर मिलने वाली सबसे जटिल पत्तियों में से एक है। नीम आपके सिस्टम के साथ क्या करता है? एक तुरंत दिखने वाला फायदा यह होगा कि यह आपकी आहार नली को साफ रखेगा। जब हम कहते हैं साफ रखेगा, यह रास्ता पाचन प्रणाली का, यह पूरा रास्ता एक ऐसी जगह है जहां पर आपके अंदर सबसे अधिक मात्रा में दूसरा जीवन मौजूद है। तो पाचन के इस रास्ते में बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, उनमें से बहुत हमारे दोस्त बन गए हैं। हम उन्हीं की वजह से जिंदा हैं, हम उन्हीं की वजह से खाना पचा पाते हैं। इस शरीर में बहुत सारे काम उन्हीं की वजह से होते हैं, फिर भी बहुत से हैं जो नुकसानदेह भी हैं। नीम की विशेषता, खास तौर से जब इसे हल्दी के साथ लेते हैं, अगर ये दो चीजें साथ जाती हैं तो ज्यादातर चीजें
जो शरीर के लिए जरूरी नहीं है, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, किसी तरह का परजीवी जीवन अगर है, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। पंद्रह दिसंबर से 15 जनवरी, इस एक महीने के दौरान उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य के कम हो चुके प्रभाव के कारण जो भी भौतिक है उसमें एक जड़ता आने लगती है। जीवन का भौतिक पहलू जड़ता की ओर जाने लगता है। जब सूर्य का प्रभाव बहुत कम है, घटा हुआ है, तो जड़ता आ जाती है। जब जड़ता आती है तो एक परिणाम ये होगा कि कोलन साफ नहीं रहेगा। सबसे आसान चीज ये है कि आप लसीका तंत्र को अच्छा रखें, तब कोलन साफ रख पाएंगे। त्रिफला नाम की एक चीज है। ये ट्रॉपिकल दुनिया के 3 जादुई फल हैं, उन्हें उचित मात्रा में मिलाकर त्रिफला बना है। इसे थोड़े पानी या 1 चम्मच दूध या किसी चीज के साथ या फिर शहद के साथ लें तो सिस्टम की सफाई हो जाएगी। पर अगर आपको यह सब ना मिले तो दक्षिण भारत में हमें एक जादुई चीज मिली, इसे अरंडी का तेल कहते हैं। इसे अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल कहते हैं। बस थोड़ा सा, आधा चम्मच अरंडी का तेल रोजाना रात में गुनगुना करें, पानी या दूध में डालकर पी लें। आप पाएंगे कि आपका कोलन साफ रहता है और आपका लसीका तंत्र सक्रिय हो जाता है, क्योंकि शरीर में जड़ता का स्तर गिर जाएगा।